देखती हूँ किसी की नजर नहीं जाती है बुड्ढी पे। मुँह मीठा कर ले। बहुत पैसे उड़ा रहे मिठाई पर। किसी घटिया नाटक में काम मिला या नौटंकी करके पैसे मिले? अरे नहीं रे, अब पैसों के लिए मुझे नाटक में काम करने की जरूरत नहीं है, उसकी खुशी मनाने के लिए ये मिठाई बांट रहा हूँ। ठीक है खुशी, लेकिन बगैर काम किए पैसे कैसे मिलेंगे? लॉटरी लगेगी क्या? लॉटरी क्यों? अरे मेरा होनहार बेटा मुझे पैसे देगा, अभी अभी नया बिजनेस शुरू किया है उसने। क्या बिजनेस? कैसा बिजनेस? अरे वो फल और सब्जी के मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। अभी अभी तो शुरुआत है, लेकिन देखना सालों में ढेर सारे पैसे आएंगे घर में। पैसे आएंगे तब आएंगे, लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये बिजनेस करने के लिए जो पैसे लगते हैं, वो कहाँ से आएंगे? सविता तू हमेशा उल्टा सोचती है। अरे अपना बेटा तरक्की करने जा रहा है, उस पर खुश होने के बजाय तू सवाल पूछ रही है बलते सलते। अरे खुशी मुझे भी है, लेकिन बिजनेस के लिए जो पैसे लगते हैं, वो कहाँ से उठाए? अगर ब्याज पे भी उठाए और वो टाइम पे भरे नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे कैसे नहीं भरेगा, मेरा मेरे बेटे पे पूरा भरोसा है। हाँ। मुझे भी मेरे बेटे पे पूरा भरोसा है, है ना? हाँ। लेकिन वो चुड़ैल पे नहीं है ना। उसके पास अगर पैसे आ जाएंगे तो वो चुड़ैल नए गहने, नई साड़ियाँ, मेकअप, इसमें पैसे उड़ा देंगी। मेरे बच्चे को पैसा रखने नहीं देगी, बचाने नहीं देंगी। क्या देख रहे हो? ऐसा क्या देख रहे हो? कभी कभी मुझे लगता है कि तू मानव की माँ है या बकवास बंद करो। मुझे पहले बताओ ये मानव बिजनेस कहाँ से करेगा, घर से या कोई जगह देख ली है? अरे वो तो पूछना मैं भूल ही गया। अरे वर्षा तो वो मानव एक्चुअली मैं वैशु से मिलने आई थी। चलो बहुत अच्छा लगा तुम तीनों को एक साथ देख के। कोई भी कारण हो लेकिन अपने लोग साथ में हो तो बहुत अच्छा लगता है, क्यों अर्चना? बिल्कुल मानव। मानव लेकिन आप इतना जल्दी कैसे आ गए? मतलब यासिर भाई ने इतने जल्दी कैसे छोड़ दिया आपको? नहीं नहीं आज तो मैं काम पे ही नहीं गया, मैं और अजीत आज मार्केट गए थे दूसरे काम को लेकर। काम? कैसा काम? एक मिनट। मानव इतने सारे पैसे ये कहाँ से आए? ये हमने मार्केट से उठाए इंटरेस्ट पे, मेरे नए बिजनेस के लिए जिसमें अजीत भी मेरा साथ दे रहे। लेकिन किसका बिजनेस करेंगे आप? जीजू ये बहुत अच्छा आइडिया है, देखना ये जरूर वर्क करेगा। तुम्हारा यही विश्वास तो मेरी हिम्मत बढ़ाता है। और देख मैं अपनी कोशिश और मेहनत में बिल्कुल भी कमी नहीं रखूंगा, और बाकी सब बाकी का काम पापा करेंगे। आई खुश आई तू खुशी सर छू आई मी छाने आई, लेकिन तू यहाँ कैसे? मैं आई थी तुम दोनों को मिलने के लिए और ये भी मिल गई, मेरी तो लॉटरी लग गई। लगता है आपस की गलतफहमी दूर हो गई। हाँ आई तू ही कहती है ना कि पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए, हमने वही किया है ना। बस रिश्तों में ईमानदारी होनी चाहिए। वैशु तुझमें और धर्मेश में कुछ अनबन हुई है क्या? नहीं आई ऐसी कोई बात नहीं है। वर्षा का फोन आया था ना, वो कह रही नहीं वो आई मेरा कंफ्यूजन हो गया था, अब मुझे लगा कि वो तेरे घर पे आई है इसलिए मैंने वहाँ फोन किया, लेकिन जब वर्षु से बात हुई तो उसने बताया वो यहाँ पर है इसलिए मैं उसे मिलने यहाँ चली आई। अब ये सारी बातें छोड़ो ना आई, आज हम इतने दिनों बाद एक साथ मिले और मारो ने इतनी अच्छी खबर भी सुनाई,
और आपको पता है वैशु आने वाली थी ना, इसलिए मैंने हलवा बनाया था। मैं अब भी सबके लिए हलवा लेकर आती हूँ। अरे मैंने सुना कि तू नया बिजनेस शुरू करने वाला है, तो तुझे जाके मुबारकबाद दे के आऊँ, बहुत सारे आशीर्वाद दे के आऊँ। लेकिन यहाँ आके देखा तो तुझे तेरी आई के आशीर्वाद की जरूरत नहीं है, मुबारकबाद की जरूरत नहीं, क्योंकि तेरे पास पहले से ही बहुत सारे आशीर्वाद मुबारकबाद है। ऐसा क्यों कह रही है? अरे मैं भी तो तेरी खुशी चाहती हूँ बेटा, चल मैं चलती हूँ। क्या तुम अर्चना के घर गई थी? हाँ, वहां मुझे वैशाली भी मिली। लेकिन माधुरी तुम्हें वहां जाने की जरूरत क्या थी? तो क्या करती मैं, कब तक वेट करती मैं आपका? क्या होने वाला ये सोच सोच के मेरी बुरी हालत हुई जा रही थी। आपने तो मुझे फोन तक नहीं किया, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि आप यहाँ आने वाले या नहीं। जो आंखों पे पट्टी बांध के बैठे रहना मेरे लिए मुमकिन नहीं था, इसीलिए मैं वहां गई। देखिए मैं समझ सकती हूँ आपकी दुविधा, लेकिन आप खुद सोचिए, ये सब जो कुछ भी हुआ कहीं ना कहीं उसके जिम्मेदार आप ही तो हैं। अगर आपने प्लीज, मैं यहाँ तुम्हारा लेक्चर सुनने नहीं आया हूँ। लेक्चर नहीं दे रही मैं आपको, समझा रही हूँ। अभी भी संभल जाइए धर्मेश, नहीं तो जो कुछ भी आपके हाथ में है ना उसे भी खो बैठेंगे। बस करो माधुरी, मैंने सोचा था तुमसे मिलूंगा, वरुण से मिलूंगा तो मेरे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा, लेकिन नहीं, एक तो वैशाली से भी दो कदम आगे निकले। अगर यही सब करना है तो मुझे साफ साफ बता दो, मैं यहाँ एक मिनट के लिए भी नहीं रुकूंगा। मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई और मैं उसे सुधारने की कोशिश भी कर रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी ऐरा गैरा मुझे चार बातें सुनाए और मैं सुनता जाऊँ। रमेश प्लीज, आपकी इस बिहेवियर से बहुत तकलीफ हो रही है मुझे। इस सब के बाद मैं आपकी एक भी बात बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप प्लीज यहां से चले जाइए। अरे क्या है? लो प्रसाद। ये क्या है? मेरे ऑफिस का एक वर्कर है राजेश, श्रीरंगपुर गया था दर्शन के लिए दुर्गा माता के, तो उसी ने लाया ये। अच्छा,
अच्छा वो तुम्हारी बात हुई क्या वैशाली से? नहीं मतलब धर्मेश के साथ जो उसकी अनबन थी कुछ कम हुई? नहीं। तुम मिली थी क्या वैशाली से? वो आई के घर पर नहीं गई है। वो मानव के घर पर थी, मैं उसे वहां पर जाकर मिली। मानव के घर पर? तुम वैशाली खुद से गई थी? नहीं मतलब ये तो चमत्कार है। सतीश प्लीज मजाक मत करो, तुम जानते हो आज मैं कितनी खुश हूँ। आज कितने दिनों के बाद हम तीनों बहनों ने मिलकर साथ में समय बिताया, और वो भी बिना किसी झगड़े बिना किसी अनबन के। बहुत मजा आया, मुझे तो सारी चीजें सुलझती हुई नजर आ रही है। तो ठीक है ना, फिर इसी बात पे श्रीरंगपुर चलते हैं हम। श्रीरंगपुर? हाँ वो राजेश बोला था कि काफी जागृत जगह है, वहाँ पे कुछ भी मांगो जैसे तो पूरा हो जाता है। तो लेकिन तुम इतने धार्मिक अचानक से कैसे हो गए? नहीं बस ऐसे ही, एक्चुअली राजेश काफी कुछ बोल रहा था तो मैंने सोचा कि एक बार हो लेता हूँ। अगर तुम्हारा मन नहीं है तो ठीक है, नहीं आते हैं। नहीं नहीं कैंसिल? मैंने ऐसा कब कहा, मना थोड़ी ना किया। चलेंगे ना, जरूर चलेंगे, लेकिन एक शर्त पर, हम अर्चुताई और वैशु को भी साथ में लेकर चलेंगे। हाँ तो अच्छा है ना, बात खोलो अर्चना से। वैशु तेरे लिए चाय बनाओ। नहीं तेरे, थोड़ी सी तो पी। एक मिनट। हेलो हेलो अर्चुताई, वर्षा बोल रही हूँ। हाँ वर्षु बोल। अर्चुताई मैं और सतीश सोच रहे कि हम श्रीरंगपुर चले, वहाँ पर एक दुर्गा माता का जागृत स्थान है, उसके दर्शन करने के लिए। तो मैं चाहती हूँ कि तुम और वैशु भी साथ में चले, बहुत मजा आएगा। ताई मैं जानती हूँ तुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन वैशु मना कर देगी। वर्षु तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं वैशु को जरूर मना लूंगी। तो फिर हम साथ में चलेंगे, बहुत मजा आएगा। और क्या पता इसी बहाने धर्मेश और वैशु के बीच में जो प्रॉब्लम्स है वो भी सुलझ जाएंगे। देख वर्षु, जब बातें इंसान के हाथों से निकल जाती है ना, तो वो भगवान पर छोड़ देनी चाहिए। ठीक है बाय। क्या बोला? वो आने के लिए तैयार है, और उसने कहा कि वो वैशु को भी मना लेगी। कैसे कहूँ वर्षा से कि मैं उसे वहीं पर ले जाना चाहता हूँ? वैशु अभी भी वर्षु का फोन आया था, और वो कह रही थी कि वो और सतीश जी श्रीरंगपुर जाने का प्लान करें, तो वो चाहते हैं हम भी उनके साथ चलें। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। ताई मेरा मन नहीं करना है, तू और जीजू चले जाओ ना। क्यों? तेरा मन क्यों नहीं कर रहा है? देख वैशु यहाँ रहेगी तो दिमाग में ऐसी 10 बातें घूमती रहेंगी, हमारे साथ बाहर चल तो तेरा मन भी हल्का हो जाएगा। और तुझे पता है श्रीरंगपुर के दुर्गा माता का मंदिर बहुत माना हुआ है, वहाँ जो मन्नत करो वो पूरी होती है। हाँ मुझे लगता है अर्चना सही कह रही, तुम्हें चलना चाहिए। जीजू जीजू मेरे पास मांगने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, मैं क्या मांगू भगवान से? और वैसे भी मैं वर्षुताई के सामने नहीं आना चाहती। एक बात मेरी समझ में नहीं आती, मैं बहुत दिन से देख रही हूँ, मैं जब भी वर्षु का नाम लेती हूँ तेरा चेहरा क्यों उतर जाता है, क्या बात है? ताई कुछ कुछ नहीं। देख मुझसे झूठ मत बोल, बता क्या बात है। ताई मैं तुझे मेरी कसम है बता, डर लगता है उसके सामने जाने से, डर लगता है उसे उसे खुश देखकर, लगता है गलती से अगर मैं रो दी ना तो उसे उसकी सच्चाई पता चल जाएगी। कौन सी सच्चाई वैशु? वैशु बोल कौन सी सच्चाई? वर्षुताई कभी मां नहीं बन सकती। जीजू ने मुझे कहा, इसके पहले अबॉर्शन के बाद कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ गई। लेकिन सतीश ये सब कैसे? वो टूट चुके हैं जीजू, वो भी पूरी तरह टूट चुके हैं, वो किसी को ये बात बता नहीं सकते। उन्होंने मुझे भी ये बात इसीलिए बताई ताकि उन्हें ऐसा लगा कि शायद मैं वर्षुदय को संभाल पाऊं। मैं हिम्मत जुटा के उनके घर गई, लेकिन फिर भी मैं उसका सामना नहीं कर पाई। परशुताई ने अपने बच्चे को लेकर इतने सारे सपने सजा के रखे, ऐसे में उसके सामने जाना, उसकी खुशियों में शामिल होना,
मुझसे नहीं होगा जीजू, मुझसे नहीं होगा। भाभी मेरी बहनों के साथ क्या कर रहे? मानो वो दोनों अपने घर में बहुत खुश थी। अरे किसकी नजर लग गई, किसकी नजर लग गई? उसे संभालो अपने आप को, उसे संभालो अपने आप। मानव लेकिन तुम तीनों घरों में सबसे बड़ी हो, तुम्हें संभालना है सबको, तुम्हें हिम्मत से काम लेना पड़ेगा ना इसका। मानव शायद अब सही कह रहे, जिंदगी में अच्छा हो या बुरा हो में जीना ही पड़ता है। लेकिन ये बात भी उतनी सच है मानव, कि जब हमें पता होता है ना कि हमारा अपना है कोई दर्द में, हम उसके सामने हमारा दर्द छुपा नहीं पाते। अब आज वर्षु आई थी, वो कितना खुश थी मानव, और मैं उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकती मानव, मैं उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। हम नहीं जाएंगे उसके साथ, हम नहीं जाएंगे। तो रो रही थी? मैं कहाँ रो रही थी, अरे पगली मैं तो दुनिया को रुलाती हूँ। ऐसे ही आंखों में कुछ कचरा चला गया ना, इसलिए पानी आई। मैं तेरी बेटी हूँ, अच्छी तरह से जानती हूँ तुझे। तेरी आंखों से साफ पता चल रहा है कि तू किसी बात पे बहुत रो रही थी। बताना क्या बात है, दादा की याद आ रही? मुझे क्यों याद आएगी, वो ऐसा कौन सा मीलो दूर रहता है कि मैं जाके उसको मिल नहीं सकती। वद्दू, अपना माना हुआ अपना नहीं रहा है। आई, आई तू ऐसे क्यों कह रही है? वो अपनी बीवी के साथ अपनी दुनिया में मस्त है, वो दुनिया में हमें जगह नहीं है बेटा, वो हमें याद भी नहीं करता है। तुझे पता है ना मानो को कितना प्यार करती हूँ। मैं जाऊँ ऊपर से कितनी भी बुरी होगी उसके साथ, लेकिन मैं उसे रोज याद करती हूँ, उसकी याद में रोती हूँ बेटा। वो चुड़ैल क्या दो दिन के लिए उसकी जिंदगी में आई, भूल गया हम सबको? नहीं आई, ऐसा कुछ भी नहीं है। दादा आज भी तुझसे बहुत प्यार करते हैं। तो मेरे साथ आंखें क्यों नहीं रहता है मेरा बेटा, बोलना। क्योंकि दादा तेरे बेटे, तेरी तरह जिद्दी भी, अंदर ही अंदर भले ही कितना घुटते रहे लेकिन अपना दर्द कभी किसी को नहीं बताएंगे, कभी किसी को पता भी नहीं चलने देंगे। आई सच कह रही हूँ मैं, दादा तेरे बिना बिल्कुल भी खुश नहीं है। दादा वहीनी को छोड़ नहीं सकते और तू वहीनी को यहाँ लाना नहीं चाहती। अब तू ही बता ऐसे में कैसे गुत्थी सुलझेगी? वो आई को छोड़ के रह सकता है, अपनी बीवी को छोड़ के नहीं रह सकता है क्या? तू क्यों नहीं समझ रही है आई, दादा ने वहीनी से शादी की है, अब वो उनकी जिम्मेदारी है, मतलब वो उन्हें कैसे छोड़ सकते हैं? अच्छा तू मुझे एक बात बता, आज तक तेरे और बाबा के बीच में कितने सारे झगड़े हुए, क्या तूने उन्हें कभी छोड़ने की बात सोची, या फिर बाबा ने कभी ऐसा कहा है कि वो तुझे छोड़ना चाहते? नहीं ना भाई, पति पत्नी का रिश्ता एक मजबूत रिश्ता होता है, एक अटूट रिश्ता, चाहे कितनी भी बहस और अनबन क्यों ना हो लेकिन ये रिश्ता कभी टूटता नहीं है। बस तू एक बार अपनी इज्जत छोड़ दे और दादा से एक बार बात करके तो देख, देखना कैसे दौड़े दौड़े बस वापस चले आएंगे वो। जिंदगी में यही बच्चा था, मेरी बेटी आके मुझे नसीहत सिखा रही है ना? नहीं, मैं तो देख बेटा,
तू अपने घर जल्दी जा, नहीं तो तेरी नकचड़ी सास तुझे जीना हराम कर देगी। जा बेटा अपने घर जा।